हेलो मेरे प्यार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मैथ में एनसीईआरटी बुक के अवकलन के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे बच्चों, आज जो न्यूमेरिकल होंगे वो सभी दो नंबर वाले होंगे। ऐसा नहीं भाई कि ये आसान है, आसान नहीं है बच्चों, क्वेश्चन मजेदार हैं। तो चलिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से इनको देख लेते हैं। बाकी इसी तरह से बच्चों आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी हम करवाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमारा केवल टारगेट है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पर, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई। तो कह रहा है कि हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे बच्चों, जो हमारा तरीका है डी वाई डी एक्स लिखेंगे, एक्स वाई है ना, प्लस जो तरीका है बच्चों सेम टू सेम आपको यही रूल फॉलो करना है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका अवकलन बराबर इधर हो गया बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स हो गया, और यहां पर क्या है टेन एक्स, ठीक, और प्लस में है भाई, इसको भी हम अलग कर देंगे, यानी डी बाई डी एक्स, और ये क्या है बच्चों वाई, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब कैसे करते हैं देखिए, यहां पर अगर हम बच्चों थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड वाला मैटर हो जाता है ना, फर्स्ट और सेकंड वाला। और हमें पता है रसगुल्लों, जब भी डी बाई डी एक्स यू और वी वाला मैटर आ जाए, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला, तो होता क्या है, पहले का ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशिएट है ना, प्लस दूसरा का ज्यों का त्यों फर्स्ट का डिफरेंशिएट, ठीक, ये होता है, ठीक है, हमें पता है बच्चों। तो इसी आधार पर हम बच्चों इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर कह रहा है कि भाई फर्स्ट सेकंड, तो पहला का ज्यों का त्यों, यानी एक्स को ज्यों का त्यों रख देंगे, फिर डी वाई डी एक्स, यानी वाई का है तो भाई वाई का है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। गौर से समझिएगा, एक्स को हमने यानी पहला ज्यों का त्यों दूसरे का डिफरेंशिएट, तो वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा ज्यों का त्यों इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो एक्स का एक होता है हमको भली भांति पता है बच्चों, प्लस। अब यहां पर देखिएगा भाई एक्स की घात एन है ना, देखिए डी वाई डी एक्स बच्चों, एक्स की घात जब एन हो, एन आगे आ जाता है एक्स में की घात में, एन माइनस वन कर देते हैं, तो भाई दो आगे लाएंगे टू वाई इंटू, गौर से देखिएगा बच्चों वाई बचा तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, जब तक एकदम से नहीं हो जाएगा हम नहीं छोड़ेंगे, प्लस सॉरी बराबर हो गया बच्चों इधर टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, प्लस अब वाई का करेंगे तो वही चीज डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा इसको, थोड़ा हम सही से लिख देते हैं बच्चों, ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको यहां पर इसको भी पास ले लेते हैं बच्चों, ये जो है टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, इसको भी इधर लाएंगे, ये प्लस था माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस था बच्चों माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर इधर बचा क्या है बच्चों तो सेक स्क्वायर एक्स बचा है, ठीक। इसमें क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा इसमें कॉमन क्या हो जाएगा भाई, एक्स बचा है यहां पे, टू वाई है यहां पे, एक बच जाएगा कब, जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, है ना। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे बच्चों, एक्स बचेगा टू वाई बचेगा, भी बाहर गया माइनस है ये, और यहां पर एक बच जाएगा, बराबर इधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसको देखिएगा, इसको सही से लिख सकते हैं किस तरह से, हम लिखेंगे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ये अपने स्थान पे रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और नीचे ये पूरा का पूरा बच्चों इसके नीचे चला जाएगा तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, ठीक है ना, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम क्या है बहुत ही सिंपल तरीके से अवकलन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों हमारा सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए, सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लग गया तो हम दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे। ठीक, ये चीज दिमाग में चलना चाहिए, तो ये बात याद रखना है। जैसे भाई यहाँ पर बात आ गई थी कहाँ पे, ये देखिए एक्स की घात एन वाला फार्मूला, तो हमें तुरंत ये सोचना है कि भाई एक्स के घात एन वाला फार्मूला होता क्या है। ठीक, ये चीजें अगर आपके माइंड में नहीं रहेगी, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, डेफिनेटली बच्चों आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर sec इनवर्स रूट में, भाई क्वेश्चन में रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स माइनस वन प्लस का है साइन इनवर्स कोष्टक में रूट एक्स माइनस वन है अपान रूट एक्स प्लस वन, देन क्या करना है डी वाई अपान डी एक्स बोले तो डिफरेंशिएट इसका करना है, यानी अवकलन करना है। चलिए देख लेते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, चलिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं। ठीक, डायरेक्टली अवकलन नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे बच्चों, चलिए देख लेते हैं। वाई बराबर गौर से समझिएगा, ये साइन के रूप में है और ये किसके सेक के रूप में, तो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर कुछ होता है, यानी बीच में जब प्लस हो। ठीक, याद करो बच्चों क्या होता है, यानी जब हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो आपको पता होगा इसके बराबर होता है पाई बटे दो। याद आया, नहीं याद है तो इनवर्स फंक्शन में ये चलता है, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। ठीक, तो यही चीज हमको यहां पर करना है। जब बच्चों हम sec इनवर्स को cos इनवर्स में बदलेंगे, तो जब इसको हम बदलेंगे cos इनवर्स तो ये जो चीजें हैं ना उल्टी हो जाएंगी, यानी रूट एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा और रूट एक्स प्लस वन नीचे हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और प्लस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कोष्टक में जो है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसे ज्यों का त्यों हम क्या कर देते हैं उतार देते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा क्यों किया। देखिए अगर sec इनवर्स अगर चार लिखा है बच्चों, तो इसको जब भी हम cos लिखना चाहेंगे cos इनवर्स में तो एक बटे चार हो जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है ना, यही किया है हमने और कुछ भी इसमें नहीं किया है। ठीक, तो चलिए अब यहां से देखिएगा एक चीज, अभी यहां पर फार्मूला किस रूप में आ गया है, देखिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, ये साइन इनवर्स है ये कॉस इनवर्स, प्लस आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर, ठीक वही चीज कॉस इनवर्स एक्स है। देखिए पूरा का पूरा बच्चों ये वैल्यू अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा वैल्यू मिल रहा है, यानी ये समझिए क्या है एक्स है, एक्स के स्थान पे अगर हम समझ लेंगे बच्चों तो इसके स्थान पे वही चीज यानी पाई बटे दो हो गया है ना, पाई बटे दो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा जब हम इसका करेंगे अवकलन बच्चों, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई डी एक्स और पाई बटे दो हो जाएगा। तो यहां से हम करना चाहेंगे तो भी हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और बच्चों कोई भी कांस्टेंट हो पाई बटे दो हो, पाई आर स्क्वायर हो, ठीक है ना, फोर पाई हो, ठीक कुछ भी हो बच्चों, उसका जो अवकलन होता है यानी अचर नंबर है, अचर पद जो होता है उसका अवकलन जीरो हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा वो आ जाएगा जीरो। तो इस तरह से इसको देखिए, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा था कि भाई बड़ा है, लेकिन बोलते ना एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है और कुछ भी नहीं होता बच्चों। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। समझ में आ गया कि किस तरह से भाई कोई भी चीज हो अगर आपको sec इनवर्स में दिख जाए, ठीक, या इसको cosec इनवर्स में बदल दे, ये cos में रहे, ठीक ना, कॉस में रहे, तब भी हम वही चीज करेंगे, दोनों में कोई एक बदलकर हम साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन। तीसरा जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि यदि वाई बराबर लॉग टेन एक्स
है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स बराबर पाई बाई फोर रखना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखिए इसमें कहे क्या रहा है भाई, समीकरण दिया है कि वाई बराबर लॉग टेन एक्स, एक बार उतार लेते हैं ठीक। तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार हम लिख लेते हैं जो हमको करना है भाई। हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई के सापेक्ष है, और इधर क्या हो जाएगा भाई डी बाई डी एक्स, और ये क्या है बच्चों लॉग टेन एक्स, ठीक इतना हो जाएगा। तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इधर देखिएगा लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स, है ना लॉग एक्स का बच्चों, ठीक। अगर आपको नहीं पता डी सॉरी ठीक एक मिनट, यहां पर अगर आपको नहीं पता बच्चों तो लॉग एक्स का कितना होता है वन अपॉन एक्स होता है ना, डी बाई डी एक्स जो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है। तो देखिए वन लॉग एक्स, ये एक्स की जगह पर ये पूरा का पूरा है बच्चों, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स की जगह पे टेन एक्स हो गया, फिर इंटू डी वाई डी एक्स, अब क्या बच गया क्योंकि लॉग खत्म हो गया टेन बच गया बच्चों, तो यहां पर हो गया टेन एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टेन एक्स हो गया। और इसके बाद टेन एक्स का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यानी अगर आपको ना याद हो डी बाई डी एक्स जो टेन एक्स होता है बच्चों, इसका जो अवकलन होता है रसगुल्लों वो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो इतना याद रखना ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखिएगा भाई, ये हमें मिल गया है, हमें ये कुछ मिल गया है, अब हम करते क्या है चलिए हम कुछ कर लेते हैं। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमें मिल गया है क्या sec स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, हमें मिल गया है बच्चों sec स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है tan x, ठीक। तो सवाल में रसगुल्लों एक चीज दे दिया है भाई कि x बराबर पाई बाई फोर कर दीजिए और कुछ मत करिएगा, ठीक। तो हम एक काम करेंगे भाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर भी इसके स्थान पे sec स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे भाई पाई बाई फोर है, ठीक, और अपॉन हो जाएगा टेन एक्स की जगह पे पाई बाई फोर हो जाएगा। तो करते क्या है वैल्यू रख देते हैं भाई, देखिए sec ये पाई बाई फोर का मतलब 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री का मान होता है 1 मतलब रूट 2, इसका स्क्वायर कर देंगे वर्ग है बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा tan 45 अंश का मान 1 ही होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर भाई रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, नीचे बटे 1 से कोई मतलब नहीं रह गया, यानी जो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आया वो कितना आ गया 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कोई भी हो बच्चों, मैथ में ये नहीं कि भाई पहले का हमें भाई 1.4 अभ्यास पढ़ना है, 1.5 पढ़ना है, 1.6 ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ इतना करता है रसगुल्लों कि आपको कॉन्सेप्ट कितना मतलब आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप कितना तैयार किए हैं और किस तरह से आप उन क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, ठीक। एक तो भाई अगर फार्मूला नहीं पता आधे से ज्यादा पिक्चर तो वहीं खत्म, क्योंकि अवकलन और समाकलन चलता है तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पर, फार्मूला नहीं याद कुछ भी नहीं कर सकते बच्चों, इतना याद रखना ठीक। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि y बराबर x की पावर साइन x है तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा लाजवाब है, 2023 में भी पूछा गया था, इसलिए हमने इसको पिक कर लिया है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा और कुछ करना होगा, वो क्या करना है चलिए उसी बात बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन है कि भाई वाई बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, जब भी बच्चों इस तरह से दिखाई पड़े तो वहां सिर्फ एक ही चीज करना होता है,
क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। जब भी आपको एक्स के घात कोई एक्स के घात में कोई भी चीज दिखाई पड़ जाए, एक्स के घात ठीक साइन एक्स है या एक्स के घात भाई जैसे लिख दिया गया है कोई भी चीज बच्चों, जैसे लॉग एक्स लिख दिया गया या एक्स की घात कुछ चीज लिख दिया गया भाई, टेन एक्स लिख दिया गया, एक्स की घात यहाँ पर मतलब सेक स्क्वायर एक्स कुछ भी इस तरह से लिखा गया है बच्चों, ठीक। तो करना क्या होता है, तो उसमें हमेशा हमेशा लॉग लेना होता है, ठीक ना। उन सारे क्वेश्चन में हम करते क्या है, चलिए लिख लेते हैं। हम लेंगे बच्चों, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक, लेने पर इस तरह से दिखाई पड़े तो आप जरूर ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि x की घात के रूप में कुछ भी लिखा हो तो हमेशा लॉग लेना पड़ेगा, ठीक। बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं बच्चों, तो हो जाएगा कितना, लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग x के घात साइन x। थोड़ा एक इसको और लिख देते हैं एक बार बच्चों, तो लॉग y बराबर, देखिए लॉग यहां पर लॉग x की घात में साइन, तो एक फार्मूला होता है बच्चों, एक फार्मूला क्या होता है, जब भी ठीक जैसे लिखा हो लॉग m के घात n, तो एक फार्मूला होता है, ये n आगे आ जाता है, n लॉग m, ये फार्मूला होता है, ठीक। जहां जिसकी जरूरत है बच्चों वो हम लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व जब करेंगे तो भाई साइन x आगे आ जाएगा, साइन x आगे आ गया, बचा क्या है बच्चों, log x बच गया है आपका, इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, हम अवकलन कर देते हैं, ठीक। तो हम करेंगे अवकलन, ठीक ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, d बाई डी एक्स, उसके बाद ये क्या है एक बार लिख देते हैं, log y बराबर भी इधर भी d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों साइन x इंटू log x, ठीक। अब यहां से भी कहानी कुछ अलग हो रही है, इसमें तो फर्स्ट और सेकंड वाला मैटर अप्लाई हो जाता है, और ये जो है इसको ज्यों का त्यों अपन रहने देते हैं। देखिए भाई log y का है, हमने बोला देखिए d by dx log y, और log x हो या y, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, जैसे log x है यानी d by dx, log x का होता है 1 अपान x, ठीक। तो लेकिन यहां पर log y है तो इसका क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा log y का 1 अपान y, ठीक, 1 अपान y। अब log खत्म, y अकेले बचा, तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर। अब इधर बच्चों देखिएगा, इसको थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं, अब इधर देखिएगा, इधर मैटर आ गया है फर्स्ट और सेकंड वाला। तो भाई होता क्या है, पहले का ज्यों का त्यों यानी साइन को अपन ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक, पहले का ज्यों का त्यों, दूसरे का डिफरेंशिएट, तो भी डी बाई डी एक्स दूसरे का डिफरेंशिएट यानी लॉग एक्स, एक बार रख देते हैं बच्चों, ठीक, ये हो गया। अब प्लस दूसरा ज्यों का त्यों यानी लॉग एक्स को ज्यों का त्यों रख देते हैं इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट यानी डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हो जाएगा बच्चों साइन एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपान एक्स प्लस, अब लॉग एक्स ज्यों का त्यों रह जाएगा, और उसके बाद भाई साइन का अवकलन क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक। तो यहां से देखिए कुछ चीज हमें, यानी इसको 1 अपान y रहने देते हैं और dy अपान dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, यानी sin x अपान x हो गया प्लस, इधर देखिए क्या है, यानी log x है इंटू cos x, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा हम लिखना चाहेंगे, तो एक चीज देखिएगा बच्चों, dy अपान dx बराबर जब करेंगे तो भाई y इधर भाग जाएगा और ये कोष्ठक में बचा कितना, sin x अपान x हो गया बच्चों, प्लस में हो जाएगा क्या चीज, log x इंटू cos x हो गया। अब ये हो जाएगा, या फिर एक चीज और यहां से हम कर देंगे, क्या कर देंगे चलिए वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये भाई यहां से यहां गया, यहां आ गया,
ठीक। तो इसमें करते क्या है बच्चों, देखिए करना कुछ नहीं है, ये y का वैल्यू ही पुट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ बराबर, भाई y के जगह पर क्या था, यानी जो y बराबर ये माना था, ठीक। तो ये y के स्थान पे हम यही चीज रख देंगे, यानी x की पावर साइन x, बाकी कोष्टक में बच्चों पूरा यही उतार देंगे, यानी साइन x अपॉन x प्लस का हो गया ये चीज log x इंटू क्या हो गया cos x, ठीक है ना ये। तो इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा, हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, हमें अप्लाई करना है भाई, हमें तो अपने सिद्धांत पे चलना है, हमें तो केवल फार्मूले से मतलब है, नियम से मतलब है, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, देखने में कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं लेकिन उतने इजी होते नहीं है, कुछ होते हैं कठिन दिखते हैं लेकिन आसान होते हैं, ठीक, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मजेदार है, इस तरह का अगर पूछा जाएगा भाई आपको कैसे करना है वो सामने दिख रहा है, ठीक। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी एनसीईआरटी पर ही आधारित, सारे क्वेश्चन बच्चों हमने एनसीईआरटी के बुक के उठाए हैं, ठीक, जितने अवकलन हो सकते हैं वो भी दो नंबर वाले, जितने टाइप के दो नंबर वाले पूछे जा सकते हैं हमने सबको उठा लिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है भाई, यहां पर है y बराबर ए एक्स की घात n प्लस बी अपॉन एक्स की घात m, तो कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों हम करते हैं। तो y बराबर एक चीज देखिएगा भाई, इसको अगर तोड़ देते हैं, ठीक, एक चीज याद रखना बच्चों, जैसे a है ठीक है ना और b है और लिखा है यहां पर m, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a की घात m इंटू बी के घात m, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, इसमें कोई झंझट नहीं है। ये आपका लॉगरिथम वाला जो होता है रूल घातांक और कर्णी में चलता है ना, जो घातांक और कर्णी उसमें ये होता है। तो बच्चों ये a x की पावर n है, तो यानी हम इसको a की पावर n इंटू x की पावर n हम लिख सकते हैं बराबर, इसमें थोड़ा कुछ करना होगा बच्चों, चलिए देख लेते हैं, ठीक, क्या करना है, चलिए कुछ नहीं, b के पावर m कर देते हैं, फिर दूसरा क्या बचा है, वन अपॉन एक्स की पावर m बचा है, ठीक, इतना कर देते हैं, यानी b के पावर m लिख दिया, फिर यहां पर 1 अपॉन x बचा इसके पावर m, ठीक, इसको थोड़ा और सजा देते हैं, y बराबर a की पावर n हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, प्लस का हो गया बच्चों b के पावर m हो गया इंटू, इसको लिख सकते ऊपर जाएगा ना, ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन x है ऊपर जाएगा तो भाई x की पावर माइनस 1 लिखेंगे तो ये गुणा हो जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। अब आ जाते हैं अवकलन पर, ठीक, अब हम अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए को बाहर ही ए की पावर एन, इसका अवकलन नहीं होगा बच्चों, डी वाई डी एक्स एक्स की घात एन, ठीक है ना। आपको याद होगा जब हम अवकलन थोड़ा आपको समझा रहे थे, हमने एक बात बताई थी आपको, जैसे चार एक्स स्क्वायर है तो बच्चों जब भी अवकलन करते हैं चार को बाहर ले लेंगे, डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन नहीं होता, अचर जो पद होते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू होते हैं उनका अवकलन नहीं होता है, ठीक है ना। तो वही चीज हमने किया है, इसको बाहर रख लिया है, ठीक, तो इसको बाहर, अब इसमें भी देखिएगा बी के पावर जो एम है इसका नहीं होगा, डी बाई डी एक्स है जो एक्स की पावर माइनस एम है, इसको बाहर अपन रख दिए हैं, ठीक। चलिए अब लिखेंगे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए की पावर एन है बाहर, अब एक्स की पावर एन वही फार्मूला ही लग गया है बच्चों, एन फिर एक्स की घात एन माइनस वन हो गया, प्लस बच्चों बी के पावर एम इसको रखेंगे, इसमें भी वही चीज आगे आ जाएगा, यानी माइनस का एम, ध्यान से समझिएगा, माइनस का एम आगे आया, फिर एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्स की पावर एम, क्योंकि ये चीज आगे आएगा, फिर इस घात में बच्चों माइनस एम है, इस घात में हम एक कम करेंगे जैसे इसमें देख रहे हैं, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं बच्चों, हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ठीक, देखिए इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है ना, ए की पावर एन,
ठीक a की पावर n इंटू एन, एक मिनट, इसमें n आगे ले लेते हैं बच्चों, n आगे हो गया, उसके बाद बचा क्या है a की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन हो गया है, ठीक है ना। प्लस इधर देख लेते हैं, ठीक थोड़ा इसको हटा देते हैं, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, b की पावर जो m है इसको रख देते हैं। अब इसमें एक चीज कर सकते हैं बच्चों, इसमें देखिए हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, माइनस एम है तो इसको क्या करेंगे, माइनस एम ही रखेंगे, और ये जो चीज है x की पावर माइनस एम और माइनस वन है तो ये वन अपान x की पावर, इसको m प्लस हम वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, कैसे लिख सकते हैं चलिए वो देखते हैं। कोई भी चीज हो बच्चों, अगर जैसे वन अपान एक्स की पावर यही लिखा है जैसे वन एम प्लस वन, तो इसको हम ऊपर जब ले जाएंगे x की घात, ये जो घात है वो उसका जो मतलब चिन्ह है वो चेंज हो जाता है ऐसे, जैसे 1 अपान x की घात माइनस 3x लिखा है तो भाई जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा तो x के घात 3x हो जाएगा, इस तरह से बच्चों वही चीज है, माइनस m माइनस 1 था x के घात में तो हमने इसको बना लिया 1 अपान x के घात m प्लस वन, यानी जो माइनस m था वो भी प्लस हो गया, माइनस वन था वो भी प्लस वन हो गया, ठीक इसलिए हमने ये चीज किया है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों आगे इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे dy अपान dx बराबर, ठीक थोड़ा और सजा देते हैं तो हो जाएगा n इंटू ए की पावर n, ठीक इंटू एक्स की घात n माइनस वन, फिर उसके बाद ये माइनस का हो जाएगा माइनस एम, फिर बी के पावर एम हो जाएगा अपान हो जाएगा एक्स की पावर एम प्लस वन, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें भाई कठिन नहीं था, कोई झंझट नहीं था बच्चों, बस हमें थोड़ा तरीका समझना था और कुछ भी नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने हम लाएंगे, तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू बाय बाय टेक केयर, और हाँ वीडियो पसंद है तो एक प्यार से लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना, ठीक है ना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, लव यू बाय बाय टेक केयर।